बटरफ्लाई तितली व्यायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ करेंगे। तो दोनों पैर को आगे ला करके और दोनों तलवे को सकाते हैं, हाथों को आपस में ग्रिप लगा करके आगे लगाते हैं और एड़ी को जांघ में सटाने का प्रयास करते हैं और सीने को आगे निकालते हैं और दोनों केहुनी को पंजरी में सटाते हैं और सांसों को भरते हुए धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को नीचे करेंगे। बहुत बढ़िया अभ्यास। ये बटरफ्लाई करने से कमर के दर्द में भी, घुटने के दर्द में भी पिंडलियों को जागृत करता है, हृदय को, वक्ष स्थल को मजबूत करता है और जो माताएं बहने गर्भावस्था में यदि सातवें महीने से अभ्यास किया जाए तो लगभग नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। एक केवल अभ्यास करने से सातवें महीने से नौवें महीने तक अभ्यास करवाते हैं धीरे धीरे। वो अभ्यास करिए, सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, एड़ी आगे चला जाए तो फिर खींच के लाने का प्रयास करते रहिए बार बार और सीने को निकालिए की तरह। फोकस हो रहा है, मेरुदंड की समस्याओं के लिए लाभकारी है। इसे छोटा बच्चा से लेकर के कमजोर व्यक्ति भी कर सकता है, वृद्ध व्यक्ति भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया अभ्यास, धीरे धीरे इसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं आप। खिलाइए, उल्टे के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, पुलर प्लस और भी लाभ होता है इससे। बहुत अनुकूल है, जाम हो जाता है, चल नहीं पाते। हाँ, कुल्हे के लिए बहुत लाभकारी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि कुल्हा बदलवा सके, है कि नहीं? तो ये अभ्यास करके कुल्हे को ठीक रखना है जीवन भर। बहुत बढ़िया अभ्यास हुआ तितली व्यायाम का और इसने इससे फुर्ती आ जाती है आदमी के अंदर, फुर्ती। जैसे तितली वो छूने के पहले ही उड़ जाती है, उसी प्रकार हमारे अंदर भी ओज तेज का जागरण होता है और नस नाड़ियों में खून का प्रवाह संतुलित हो जाता है, संयमित हो जाता है। यह है इन छोटे छोटे अभ्यासों के लाभ, छोटे छोटे अभ्यास और बड़े बड़े लाभ।